हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोप्रो हीरो 11 का वारंटी के बारे में। आप लोगों को तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है, तो उसका सर्विसिंग के बारे में हम लोगों को पहले जान लेना चाहिए। ख़ास तौर से ये गोप्रो तो चाइना प्रोडक्ट है, तो किसी भी वक्त ये ख़राब हो सकता है, और ऐसे भी प्रोडक्ट कोई कम प्राइस का नहीं है, तो वारंटी और सर्विसिंग के बारे में पहले जान लेना चाहिए। तो मैंने जहाँ तक देखा, कोई बोलता है कि गोप्रो का सर्विस सेंटर दिल्ली में है, कोई बोलता है बैंगलोर में है, तो कोई बोलता है मुंबई में है, पर एक्चुअली गोप्रो का सर्विस सेंटर क्या है इंडिया में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा, क्या गोप्रो इंटरनेशनल वारंटी प्रोवाइड करता है? तो इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो कहीं से कुछ पक्का आंसर मुझे नहीं मिला। कहीं भी कुछ भी रिटर्न नहीं है कि गोप्रो का सर्विस सेंटर इंडिया में है। और वैसे भी मैंने ये कैमरा जो गोप्रो का है वो लिया है अबू धाबी से, तो प्रॉब्लम है कि उसको इंडिया में वारंटी मिलेगा कि नहीं, ये मुझे बहुत टेंशन दे रहा था। तो मैंने क्या किया, सीधा गोप्रो का साइट में गया और वहाँ पे सपोर्ट में जाके एक रिक्वेस्ट डाला। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे वो रिक्वेस्ट डाला जाता है, और कैसे मैंने वो रिक्वेस्ट डाला, और कितना रिस्पॉन्सिव वो लोग हैं। देखिए, पहले तो हम लोगों को जाना है ये गोप्रो का साइट में, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाना है। यहाँ पे हमको जो दिखा रहा है आउट ऑफ बिजनेस आवर्स, तो अभी देखिए यूएस चूज़ किया हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ इंडिया चूज़ करने। पहले तो एशिया स्पेसिफिक रीजन में जाना है, वहाँ से इंडिया चूज़ करना है। अब इंडिया चूज़ करने के बाद क्या आता है, देखिए फिर भी दिखा रहा है यू आर आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स। तो मंडे टू फ्राइडे 8 से 5 के बीच मुझे कॉन्टैक्ट करना होगा, और सैटरडे होगा अच्छा तो भी 8 के 5 के बीच ही है। तो यहाँ पे नीचे देखिए कॉन्टैक्ट आस में तो दिखा रहा है अभी क्लोज्ड है, तो ये मुझे कल ट्राई करना होगा। आज तो रात हो गया है, आज और नहीं होगा, कल देखते हैं। देखिए, आज मैंने फिर से लॉगिन कर लिया, अभी भी वो क्लोज्ड ही दिखा रहा है। अच्छा, मेरा कंट्री चूज़ नहीं किया हुआ है। फिर कंट्री चूज़ करने के बाद क्या आ रहा है, यू आर करेंटली इन आवर बिजनेस आवर्स, देखिए ये आ गया। अब नीचे की तरफ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स में देखिए ये फॉर्म खुल गया। अभी इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है। पहले हम चूज़ कर लेते हैं हीरो 11 ब्लैक। उसके बाद यहाँ पे रीज़न देना है कि आपका गोप्रो ख़राब हो गया या क्या भी, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो लिखना है। फिर आपका नाम, फिर आपका सरनेम, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। देखिए इंडिया ऑलरेडी आ रहा है, तो इंडिया का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी जाने वाला है, तो ये ध्यान से सही डालिएगा। अभी कॉन्टैक्ट अस बटन पे क्लिक करना होगा। देखिए क्लिक करने के बाद एक ओटीपी के दे के वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, जो ओटीपी ईमेल में भेजा गया। अब मैं ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर ओटीपी डाल के वेरीफाई बटन क्लिक करना है। अब वेरीफाई में क्लिक करने के बाद देखिए दो ऑप्शन आ गया आपके सामने, एक है स्टार्ट चैट, दूसरा है रिक्वेस्ट कॉल। तो स्टार्ट चैट से आप चैट करके बात कर सकते हैं उन लोगों के साथ, लेकिन मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट कॉल में दबाया था। जब मैंने रिक्वेस्ट डाला था तो 15 मिनट के अंदर कॉल आएगा, वो लोग बोल रहे हैं, और ये एकदम ही करेक्ट है। 15 मिनट के पहले ही मुझे कॉल आ गया था, और उधर से जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही अच्छा है। वो लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो वो लोग आपको वारंटी नहीं देगा, इस टाइप का कोई बिहेवियर नहीं है, बहुत ही सही बिहेवियर है। आपको अच्छा भी लगेगा बात करके। तो मैंने रिक्वेस्ट तो डाला था वारंटी के बारे में पूछने के लिए, तो मैंने उन लोगों को पूछा कि मैं ये कैमरा ले रहा हूँ अबू धाबी से, तो क्या मुझे इसका इंडिया में वारंटी मिलेगा? तो उसने बोला हाँ, इसका वारंटी आपको सभी जगह मिलेगा जब तक आपके पास वैलिड बिल हो। बिल को आप सही तरह से रखिएगा, आपको सारे जगह पे ही वारंटी मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि इंडिया में तो आपका सर्विस सेंटर है ही नहीं, तो आप लोग वारंटी देंगे कैसे? तो उसने बोला सॉरी टू रिपीट कि हम लोगों को ये सर्विस सेंटर अभी तक वहाँ पे हम बना नहीं पाए, तो आप लोगों को सर्विस के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हम लोगों को भेजिएगा पहले क्या परेशानी है, फिर हम लोग उसको देखेंगे। फिर आप बिल का कॉपी भेजना होगा आपको, हम एक मेल आपको डालेंगे, तो इस मेल में आप बिल का कॉपी भेजिएगा, हम उसको देखेंगे। फिर आपको हम डिटेल भेजेंगे कि यूपीएस कुरियर के थ्रू आपको इस प्रोडक्ट को सिंगापुर भेजना है, लेकिन अच्छा बात यह है कि कुरियर का कोई भी चार्जेस कस्टमर को नहीं पे करना पड़ता है। कस्टमर को
सिर्फ जाके कुरियर वालों को वो चीज़ हैंडओवर करना पड़ता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इंडियंस के लिए, अगर आप मेगा सिटी में नहीं रहते हो तो कुछ कुछ जगह ये यूपीएस कुरियर का ऑफिस नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप मेगा सिटी में रहते हो तो आपको पक्का मिलेगा यूपीएस कुरियर का ऑफिस। किसी किसी जगह तो बंदे डोर स्टेप में आके भी पिकअप करके लेके जाता है। तो कुछ भी करके आप उन लोगों के पास ये पहुंचा दो तो ये सिंगापुर पहुंच जाएगा, वहाँ पे आपका कैमरा का रिपेयरेबल है तो वो लोग रिपेयर करेंगे, नहीं तो रिप्लेस करके वो लोग नया दे देते हैं। तो ये रिपेयर हो या रिप्लेस हो, जो भी हो, वो करके फिर से कैमरा आपके घर में वापस भेज दिया जाएगा थ्रू द यूपीएस कोरियर। तो ये था गोप्रो का वारंटी और रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कुछ डिटेल्स। तो मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है तो मैंने आप लोगों को शेयर किया। अगर आप लोगों के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिएगा, इससे सबका ही सुविधा होगा। क्योंकि बहुत लोग यूज़ करते हैं ये गोप्रो, पर ये सर्विस सेंटर लेके टेंशन बहुत लोगों को ही है। तो आप कमेंट में डालिएगा अगर आपको कुछ नया पता है तो। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।